गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कोठी झलक। टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर मैथ सब्जेक्ट इन स्टैंडर्ड फोर्थ। योर चैप्टर 5 इज द वे द वर्ल्ड लुक्स। तो लास्ट वीडियो में हमने पेज नंबर 56 तक देखा था, आज देखेंगे पेज नंबर 57। तो पेज नंबर 57 पर क्या दिया है कि द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस। क्या है इधर? पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस के बिहाइंड। तो डू यू रिमेम्बर द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस? तो देखते हैं उसमें क्या है। तो हियर इज द बिगर पिक्चर ऑफ दैट पार्क। क्या है पार्क का बिगर पिक्चर? बताया है, लुक एट इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ये पार्क को केयरफुली देखना है और पार्क में, पार्क के बारे में जो क्वेश्चन दिए है वो लिखने हैं, ठीक है। तो हियर इज द बिग पिक्चर ऑफ दैट पार्क। पार्क का क्या है? बिग पिक्चर है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। चलो स्वीट शॉप के नजदीक कौन सा गेट है? तो गेट ए। तो क्या आएगा आंसर? मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। तो गेट ए इज द नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। तो क्या आएगा? ए। विच गेट इज नियरेस्ट टू गप्पूज हाउस? गप्पूज हाउस से कौन सा गेट नियरेस्ट है? तो गेट सी इज नियरेस्ट टू द गप्पूज हाउस। कौन सा आएगा? गेट सी। ये हम आंसर एक्सरसाइज में देखेंगे, बट फिर से एक बार समझ लो चैप्टर में कि विच गेट इज नियरेस्ट टू गप्पूज हाउस। तो क्या है कि गेट सी इज नियरेस्ट टू गप्पूज हाउस। गप्पूज हाउस से कौन सा गेट नियरेस्ट है? तो गेट सी। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि इफ यू एंटर फ्रॉम गेट बी। क्या, कौन से गेट में एंटर होते हो? तो गेट बी। द ग्रीन बेंच व्हील बी टू योर, तो लेफ्ट राइट या फ्रंट? क्या आएगा? द ग्रीन बेंच वुड बी लेफ्ट टू मी। आई एंटर फ्रॉम गेट बी। कहाँ एंटर होते हैं? गेट बी में होते हैं। तो कौन सी बेंच लेफ्ट साइड होगी कि नहीं? गेट बी में एंटर होते हो तो कौन सी साइड है ग्रीन बेंच? लेफ्ट साइड। तो द ग्रीन बेंच वुड बी लेफ्ट टू मी इफ आई एंटर फ्रॉम गेट बी। तो क्या आएगा? लेफ्ट, ठीक है। व्हेन सुहासिनी एंटर द पार्क। क्या है कि व्हेन सुहासिनी एंटर द पार्क द फ्लावर बेड वॉज टू हर राइट। विच गेट डिड सी एंटर फ्रॉम? तो क्या आएगा? फ्लावर बेड इज राइट टू गेट बी। क्या है फ्लावर बेड? कहाँ है? राइट टू गेट बी, ठीक है। सो द एंटर फ्रॉम गेट बी। चलो ऐसा क्वेश्चन है, फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लो कि क्या है कि व्हेन सुहासिनी एंटर द पार्क। कहाँ एंटर होती है पार्क में? द फ्लावर बेड वॉज टू हर राइट। तो विच गेट डिड सी एंटर फ्रॉम, कहाँ से एंटर होती है? डिज तो ही फ्लावर, जो फ्लावर बेड है वो राइट साइड आएगा। तो क्या आएगा? फ्लावर बेड इज राइट टू गेट डी, सो द एंटर फ्रॉम गेट डी। चलो लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिस इज नियरेस्ट टू यू इफ यू एंटर फ्रॉम गेट सी। कहाँ से एंटर होते हो? गेट सी से एंटर होते हो। तो विच ऑफ दिस इज नियरेस्ट टू यू इफ यू एंटर फ्रॉम गेट सी। तो फोर ऑप्शन दिए है, बास्केटबॉल कोर्ट दिए है, सेकंड फ्लावर बेड दिया है, थर्ड ग्रीन बेंच दिया है एंड फोर नंबर का सीसो दिया है। तो क्या आएगा? गेट सी बोला है इसलिए सीसो, ठीक है। पेज नंबर 58 पर क्या बता है? इसमें हाउ, क्या है इसमें? होम ऑन द फोन इसमें टोल्ड श्रीजाता द रूट ऑफ हिज हाउस। ये क्या है? उसके हाउस का रूट है। फ्रॉम हर हाउस द रूट मे बी शोन हियर। क्या है? जो रूट मेप है वो बताया है। तो श्रीजिदास हाउस, क्या है ये श्रीजिदा हाउस एंड इसमें इस हाउस का जो क्या है मैप है वो बताया है, ठीक है। मे बी शोन हियर। तो इधर मिल टूथ है, ब्रिज है, पार्क है, ठीक है। तो दिस इज वॉट इसमें टोल्ड श्रीजिता। तो देखते हैं, फ्रॉम योर हाउस रीच द मिल्क टूथ एंड देन टेक अ लेफ्ट टर्न। कैसा लेना है? लेफ्ट टर्न लेना है। तो लेफ्ट टर्न में क्या है कि फ्रॉम द सेकंड क्रॉसिंग टेक अ राइट टर्न।
सेकंड क्रॉसिंग में क्या लेना है, राइट टर्न एंड गो ओवर द ब्रिज, क्या है कि गो ओवर द ब्रिज, जहां ब्रिज है वहां, ठीक है, तो गो ओवर द ब्रिज, ये क्या है, ब्रिज है, ठीक है। तो उसके बाद है तो गो स्ट्रेट एंड देन टेक द फर्स्ट राइट टर्न, स्ट्रेट ब्रिज है तो ब्रिज में कैसा जाना है, स्ट्रेट, तो गो स्ट्रेट एंड देन टेक द फर्स्ट राइट टर्न, कैसा है, फर्स्ट राइट टर्न है वो लेना है, एंड गो स्ट्रेट एंड देन टेक अ फर्स्ट राइट टर्न आफ्टर अबाउट 100 मीटर्स यू विल सी अ बिग पार्क, क्या देखेंगे, बिग पार्क दिया है, तो व्हेन यू क्रॉस द पार्क, जब पार्क क्रॉस करोगे तो यू विल कम टू अ साइड लाइन, क्या है, साइड लाइन, माई हाउस इज द फर्स्ट हाउस इन द इन दैट लैंड, क्या है ये लैंड में मेरा हाउस कैसा है, फर्स्ट है। तो उसमें क्वेश्चन आपको बोला है कि डिड इसमें गो रॉन्ग समवेयर, कैन यू करेक्ट हिम, तो यस, श्रीजिता हैज टू टेक लेफ्ट गोइंग स्ट्रेट आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज, क्या आएगा कि यस, श्रीजिता क्या करती थी, हैज टू टेक लेफ्ट गोइंग स्ट्रेट आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि शो वेयर श्रीजिता, क्या है कि शो वेयर श्रीजिता विल रीच इफ शी टेक्स द रूट ही टोल्ड हर, तो क्या आएगा, श्रीजिता वुड रीच ऑपोजिट टू इसमेल्स हाउस, कहाँ है, इसमेल्स हाउस के ऑपोजिट। उसके बाद क्वेश्चन है कि राइट द, क्या है कि राइट द डायरेक्शन फॉर गोइंग फ्रॉम इसमेल्स हाउस टू श्रीजिताज हाउस, तो क्या है कि स्टार्ट, उसमें है कि स्टार्ट फ्रॉम इसमेल्स हाउस, टेक फर्स्ट राइट टर्न, गो स्ट्रेट आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज, टेक फर्स्ट लेफ्ट टर्न, टेक द सेकंड राइट टर्न विच इज फ्रॉम मिल्क बूथ, गो स्ट्रेट द रेड कलर हाउस इज श्रीजिताज हाउस, जो रेड कलर का है वो किसका हाउस है, श्रीजिताज हाउस है। चलो इधर क्या बताया कि गिल्बी एंड द बिग बॉक्स, तो डू यू रिमेम्बर गिल्बी द आंट इन द मैथ मैजिक बुक 3, तो क्या है आपको याद है कि गिल्बी, रिमेम्बर करना है कि डू यू रिमेम्बर गिल्बी द आंट इन द मैथ मैजिक बुक 3 में, तो वेल वन डे गिल्बी सो अ बिग बॉक्स ऑन हर वे, ही लुक्ड लाइक दिस, ऐसा लगता था, तो गिल्बी मूव्ड अक्रॉस एंड टर्न लेफ्ट, क्या लिया, टर्न लेफ्ट, नाउ शी कुड सी द अदर फेसेस ऑफ द बिग बॉक्स, बिग बॉक्स के अदर फेसेस उसने देखे, तो गिल्बी वॉज कन्फ्यूज्ड, गिल्बी क्या हो गई थी, कन्फ्यूज्ड हो गई थी, तो वॉट वॉज दिस बॉक्स, शी क्लाइम्ड ऑन अ कप एंड ट्राइड टू सी फ्रॉम देयर, द बॉक्स लुक्ड लाइक दिस, कैसा लगता था बॉक्स, ऐसा लगता था, तो कैन यू गेस वॉट दैट बॉक्स लाइक थिंग्स वॉज, तो द बॉक्स वॉज अ डाइस, कैसा लगता है, डाइस, द नंबर्स ऑन द ऑपोजिट फेसिस ऑन ऑफ दिस बॉक्स एड अप टू 7, तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच नंबर वॉज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ 5, तो क्या है कि द नंबर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ 5 इज इक्वल टू, क्या आएगा कि 7-5 इज इक्वल टू, क्या आएगा 2, तो क्या आएगा, ऑपोजिट आएगा कि नहीं, तो द नंबर ऑपोजिट ऑफ 5, 7-5 इज इक्वल टू 2, एंड उसके बाद क्वेश्चन है कि इन द पिक्चर विच नंबर विल बी एट द बॉटम, बॉटम में द ऑन द टॉप द नंबर इज 1, क्या है 1, तो ऑन द टॉप द नंबर इज 1, हैंस ऑन द बॉटम ऑफ द नंबर इज 7-1 इज इक्वल टू 6, 7-1 इज इक्वल टू 6, विच नंबर विज गिल्बी सी इफ विशी अगेन टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम 5, तो क्या है कि ऑन टर्निंग लेफ्ट फ्रॉम 5, तो गिल्बी वुड टू सी द नंबर 1, क्या आएगा नंबर 1, एंड 6 लास्ट क्वेश्चन है कि वॉट विल दिस बॉक्स लुक लाइक इफ यू, क्या है कि वॉट विल दिस बॉक्स लुक लाइक इफ यू ओपन्ड इट अप, मार्क द करेक्ट पिक्चर, चलो उसमें ये आपको 4 बॉक्स दिए है, 1, 2, 3 एंड 4, ए बी सी डी करके आपको दिया है,
तो क्या क्वेश्चन है कि व्हाट विल दिस बॉक्स लुक लाइक इफ यू ओपन इट अप, तो मार्क द करेक्ट पिक्चर. तो कौन सा आएगा, ए वाला. द बॉक्स लुक लाइक द फिगर गिवन ए इफ इट वर्ड ओपन. तो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ ऑन ट्राई इट आउट. तो ड्रॉ अ शेप लाइक दिस ऑन अ थिक पेपर, कट इट आउट एंड कलर द डिफरेंट फेसेस इन डिफरेंट कलर्स. तो कैन यू यूज दिस बॉक्स टू प्ले अ गेम. तो यस, आई कैन प्ले लूडो यूजिंग द बॉक्स. चलो लूडो में ये बॉक्स करते हो कि नहीं यूज. तो यस, आई कैन प्ले लूडो यूजिंग दिस बॉक्स. अब हम देखते हैं एक्सरसाइज. तो चलो एक्सरसाइज में क्या बताया है कि एन ऑब्जेक्ट हैज मैनी व्यूज. मैनी व्यूज होते हैं, पहले ही देखा था, साइड व्यू, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू. ऑब्जेक्ट लुक डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट टू डिफरेंट व्यूज. ठीक है, तो चलो पेज नंबर 53 पर जो क्वेश्चन दिया था वो पहले समझाया है, बट देख लो सारे क्वेश्चन एक बार. कि पेज नंबर 53 पर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज आप देखते हो वीडियो में, तो साइड में बुक रखनी है तो ही समझ में आएगा कि कौन से क्वेश्चन के कौन से आंसर है, कौन से पेज नंबर पर है. ठीक है, तो पेज नंबर 53 पर ये वाला क्वेश्चन है. कैन यू थिंक व्हाई गोकू कुड सी द चीज ऑन द जग बट चिकी कुड नॉट. तो क्या आएगा, चीज वॉज placed on the top of the jug. Gappu was hanging with a balloon which was stuck to the ceiling and he could easily saw the cheese. While Chinky was running on the floor. कहाँ running कर रही है, फ्लोर पर. सो सी कुड नॉट एबल टू सी. वो एबल नहीं है वो देखने के लिए कि the cheese kept on the top of the jug. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है सेकंड. क्वेश्चन सेकंड में क्या है कि व्हेन आई रैन अराउंड इन माय हाउस इट लुक्ड सो बिग बट फ्रॉम हियर इट लुक स्मॉल, हाउ इज दैट. तो ऑब्जेक्ट आर सीन स्मॉलर फ्रॉम अ डिस्टेंस. ठीक है, तो गप्पू वाज सी द हाउस फ्रॉम हायर इन द एयर सो दैट लुक्ड स्मॉलर. हायर से देखते हैं तो कोई भी लुक ऐसा लगता है, स्मॉल दिखता है कि नहीं. पेज नंबर 55 पर ये क्वेश्चन है कि लुक एट दिस पिक्चर्स एंड डिस्कस व्हाई थिंग्स लुक वाइड एंड बिग एट दिस एंड बट नैरो एंड स्मॉल एट द अदर एंड. तो क्या आएगा कि द साइड विच इज नियर टू अस लुक्स वाइडर एंड विच इज फार्दर टू अस लुक्स नैरो एंड स्मॉलर. कैसा लगता है, नैरो एंड स्मॉलर. पेज नंबर 57 पर ये क्वेश्चन दिया है. तो क्वेश्चन 4 देखते हैं कि मार्क गेट. गेट के बारे में दिखाया था कि मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप ए बी सी एंड डी. तो कौन सा आंसर आएगा कि गेट ए इज नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप. स्वीट शॉप से कौन सा गेट नियरेस्ट है, तो गेट ए. क्वेश्चन 5 है कि विच गेट इज नियरेस्ट टू गप्पूज हाउस. तो क्या आएगा कि गेट सी इज नियरेस्ट द गप्पूज हाउस. गप्पूज हाउस से कौन सा गेट नियरेस्ट है, तो गेट सी. 6 नंबर का क्वेश्चन है कि इफ यू एंटर फ्रॉम गेट बी द ग्रीन बेंच विल बी टू योर लेफ्ट राइट एंड फ्रंट. चलो ग्रीन कौन से बी गेट में एंटर होते हो, तो जो ग्रीन बेंच है वो आपकी लेफ्ट है, राइट है या फ्रंट है, उसके बारे में आंसर बताना है. तो द ग्रीन बेंच वुड बी लेफ्ट टू मी. कौन सा आएगा आंसर, लेफ्ट मी इफ आई एंटर फ्रॉम गेट बी. 7 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हेन सुहासिनी एंटर्ड द पार्क द फ्लावर बेड वाज टू हर राइट व्हिच गेट डिड द एंटर फ्रॉम. तो क्या आएगा, फ्लावर बेड इज राइट टू गेट डी. क्या है, गेट डी के राइट साइड. सो द एंटर फ्रॉम गेट डी, कहां से एंटर होना, गेट डी में. 8 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ दिस इज नियरेस्ट टू यू इफ यू एंटर फ्रॉम गेट सी. तो क्या आएगा, सीसो. चलो पेज नंबर 58 पर ये क्वेश्चन है. 9 नंबर का है, डी इज विल गो रॉन्ग समवेयर कैन यू करेक्ट ही. तो यस, श्रीजिता हैज टू टेक लेफ्ट गोइंग स्ट्रेट आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज. 10 नंबर का क्वेश्चन है कि शो वेयर श्रीजिता विल रीच इफ शी टेक्स द रूट ही टोल्ड हर. तो श्रीजिता वुड रीच ऑपोजिट टू इस्मेल्स हाउस. कहाँ रीच है, तो ऑपोजिट टू इस्मेल्स हाउस. तो 11 नंबर का क्वेश्चन है कि राइट द डायरेक्शन फॉर गोइंग फ्रॉम इस्मेल्स हाउस टू श्रीजिता'स हाउस. तो देखते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम इस्मेल्स हाउस, टेक फर्स्ट राइट
टर्न गो स्ट्रेट आफ्टर क्रॉसिंग, वो हमने देखा था कि नहीं जो मैप दिया था उसमें, तो द स्टार्ट फ्रॉम इस्माइल्स हाउस टेक फर्स्ट राइट टर्न गो स्ट्रेट आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज टेक फर्स्ट लेफ्ट टर्न टेक द सेकंड राइट टर्न विच इज फ्रॉम मिल्क बोथ का, तो गो स्ट्रेट द रेड कलर हाउस इज, चलो रेड कलर का हाउस था वो किसका हाउस था, श्रीजिता'स हाउस, तो गो स्ट्रेट एंड द रेड कलर हाउस इज द श्रीजिता'स हाउस। तो चलो क्वेश्चन 12 है कि कैन यू गेस व्हाट दैट बॉक्स लाइक थिंग वाज, तो द बॉक्स वाज अ डाइस, कैसा है डाइस। 13 है कि विच नंबर वाज ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ 5, द नंबर ऑफ ऑपोजिट तो ऑफ 5 इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 5। 14 नंबर का है कि इन द पिक्चर विच नंबर विल बी एट द बॉटम, तो आपको क्वेश्चन है कि ऑन द टॉप द नंबर इज 1, कैसा है 1, हेंस ऑन द बॉटम नंबर इज 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। 15 नंबर का है कि विच नंबर विल गिल्बी सी इफ शी अगेन टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम 5, द ऑन टर्निंग लेफ्ट फ्रॉम 5 गिल्बी वुड सी द नंबर 1। तो 16 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट विल दिस बॉक्स लुक लाइक इफ यू ओपनड इट अप मार्क द करेक्ट पिक्चर, ये वाला देखा था कि नहीं कैसा फिगर में दिया था, तो द बॉक्स लुक लाइक द फिगर गिवन इन ए इफ इट वुड बी ओपन, तो क्या आएगा आंसर सही कौन सा है, आपको 4 फिगर दी थी ना चैप्टर में ए बी सी डी, तो कौन सा सही था ए वाला। लास्ट क्वेश्चन था फाइंड आउट में था ना, तो कैन यू यूज दिस बॉक्स टू प्ले अ गेम, जो बॉक्स था वो आपने गेम में यूज किया है ना, तो यस आई कैन प्ले लूडो यूजिंग दिस बॉक्स। तो इधर आपका चैप्टर क्या होता है खत्म होता है 5th नंबर का।